नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। और ये 40 प्रश्न वो हैं कि जो लगातार 12 वर्षों से परीक्षाएं हो रही हैं, उन प्रश्न पत्रों से जो है एकत्रित किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और भी आगे इसी तरह से वीडियो उन प्रश्न पत्रों से उठाकर जो भी प्रत्येक परीक्षाओं से या प्रत्येक परीक्षा में जो पूछे गए हैं उनमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान के। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप हमारे IAS स्टडी ट्रिक YouTube चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस YouTube चैनल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं संविधान के, इससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये चीज तो आपको पता होगी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो देखते हैं इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम कि तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने। जी हाँ दोस्तों, स्थाई और अस्थाई, पहले अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, फिर स्थाई अध्यक्ष बनाया गया, तो अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था ये चीज यहाँ पर हमें को देखना है। तो देखते हैं कि स्थाई अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को, और उसके बाद में स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का संविधान दिया था तो किसने दिया था भारत का संविधान। भारत का संविधान जो दिया था वो दिया था संविधान सभा ने। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ और संविधान सभा ने ही विभिन्न सत्रों के माध्यम से, विभिन्न बैठकों के माध्यम से जो है भारत को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में एक संविधान का निर्माण करके दिया। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, लागू और स्वीकृत में अंतर है। तो यहाँ पर स्वीकृत पूछा गया है, तो कब स्वीकृत किया गया ये चीज आपको पता होगी। अगर नहीं है पता तो उत्तर देखते हैं, तो उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय जो संविधान है वो स्वीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं। जी हाँ दोस्तों, मूलतः पूछा गया है यहाँ पर कि मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 जो मूलतः, जो मूल में थे वो अनुच्छेद यहां पर पूछे गए, तो 395 अनुच्छेद मूलतः हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। जी हाँ दोस्तों, अधिकार क्षेत्र का दर्जा यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि किस तारीख को मिला है। अगर नहीं है पता तो फिर भी हम बता देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो है अधिकार दर्जा मिला। इसी तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसी याद में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये प्रस्ताव, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में ए संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की। जी हाँ दोस्तों, जब संविधान निर्माण की आवश्यकता हमें महसूस हुई तो यह संविधान सभा एक बनाई गई जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया, और वहां पर विभिन्न प्रांतों से अलग अलग सदस्यों को वहां पर लिया गया, तो ये संविधान सभा एक बनकर तैयार हो गई। तो कब ये स्थापित की गई ये चीज पूछी गई है, तो ये पूछी गई 1946 में ये संविधान सभा बनकर जो है स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, तो परिसंघ बनाने का सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तावित किया गया था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से ये परिसंघ बनाने का सर्वप्रथम प्रस्तावित जो है किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, और इसको दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा, तो आपको पता होगा किसने कहा है। नहीं है पता तो वो कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, किस पर आधारित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन पर आधारित। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसी पर आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया किसने किया, तो ये विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ये विचार प्रस्तुत 1934 में ही प्रस्तुत कर दिया था। किस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने ये प्रस्तुत किया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो है निर्वाचन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर का किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में,
पश्चिम बंगाल से हुआ था, जिन्हें की संविधान का जनक भी कहा जाता है, और बहुत ही उन्होंने दलितों के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं संविधान में, और भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान का 11वां एवं अंतिम सत्र कब संपन्न हुआ, तो 11वां जो सत्र है वो संपन्न हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये सत्र संपन्न हुआ। संविधान की निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, झंडा समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, ये समिति बनी थी, तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी साहब इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अभी यहां पर झंडा समिति पूछी गई थी, अब यहां पर पूछा गया है संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, वैध जो प्रभु सत्ता है वो किसमें नहीं थे? आपको पता होगा इसका उत्तर, नहीं है पता तो देखते हैं, तो वो है संविधान में वैध प्रभु सत्ता निहित है, या सर्वमान्य जो है वो संविधान के आधार पर ही सारी कानून जो है या क्रियाएं संचालित होती हैं। तो भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? जो संविधान है वो नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों से सुनिश्चित करता है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया आयरलैंड के संविधान से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया? जी हां दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसे उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। वहीं संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो ये संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो वो ली गई है ब्रिटिश संविधान से, ये संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान में ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो दो विशेषता है वो किसकी है? तो सरकार का संघीय स्वरूप, जो सरकार का संघीय स्वरूप है उसकी ये विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन है और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो विशेषता है ये जो है सरकार को संघीय स्वरूप प्रदान करती है या उसकी विशेषता बताती है। नेक्स्ट है फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा गया है क्वेश्चन, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करता है, तो किसको करता है? वो करता है सर्वसत्तावाद को, सर्वसत्तावाद को फासिज्म का जो है विश्वास या सिद्धांत जो है लागू करता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जबकि यहां पर जो शासन व्यवस्था है जो जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव द्वारा जो है बनाए जाते हैं। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जी हाँ दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है 42वें जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, और भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था, कब किया गया था? जो उद्देशिका है उसमें परिवर्तन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है ये उद्देशिका में परिवर्तन किया गया, और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? जी हाँ दोस्तों, जो संघीय प्रणाली है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार किसको है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नया राज्य बनाना है तो और नया जो राज्य है उसकी सीमा बदलना है तो इसका अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार हो जाएगा संसद को, संसद को ये अधिकार है नए राज्य बनाने का और सीमाओं को बदलने का। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य जो संरक्षित राज्य कहलाता है? तो वो है सिक्किम राज्य। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब किए गए? जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भारतीय संविधान में वो नागरिकता संबंधी प्रावधान कब किए गए? तो ये 1949 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का अधिकार देता है? जो नागरिकता के अधिकार हैं वो उनको विनियमित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, ये चीज आपको यहां पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11 ऐसा संविधान है जो संसद को नागरिकता से संबंधी जो अधिकार हैं वो विनियमित करने का अधिकार संसद को प्रदान करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो किसमें दिए गए भारतीय नागरिक? तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में भारत के जो है नागरिकों को
कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करना है तो किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, इसका उत्तर आपको पता होगा, नहीं है तो देखते हैं। समादेश, जिसे कि रिट भी कहा जाता है, ये रिट जारी की जाती है काय को, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है, मौलिक अधिकार को? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान के संवैधानिक जो है उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। वहीं प्रश्न ये भी बनता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है कि नौकरियों और समाज की शैक्षिक संस्थाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? जो नौकरियों में आरक्षण या शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है वो केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अधिकार जो है प्रावधान जो है वो अधिकार देता है केंद्र सरकार को, ये चीज है। तो अनुच्छेद 16 ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र सरकार को नौकरियों और समाज की शैक्षिक संस्थाओं में जो है आरक्षण उपलब्ध कराने का जो है अधिकार या प्रावधान अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको है? जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उनको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है संविधान द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, जो जीवन का अधिकार है वह कैसा अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। जो जीवन का अधिकार है वह मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? वह कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है? रिट हमने पढ़ी, और रिट वह ऐसी रिट है, एक ऐसी रिट है जो सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध, केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है, तो वो है परमादेश। जी हाँ दोस्तों, परमादेश ऐसी रिट है जो सरकारी जो पदाधिकारी उनके विरुद्ध लागू की जा सकती है, ये हमें संविधान जो है सुविधा प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध को अलग से, जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं उनको यथोचित जो अगर प्रतिबंध की बात आती है तो कौन लगा सकता है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद को ये अधिकार होते हैं कि वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।